ये ईमेल मुझे लिखा है वीरेंद्र जी ने, और उनकी रिक्वेस्ट पर मैं आप लोगों तक ये बात पहुंचा रही हूँ। मेरा अपना भी ये मानना है कि बेसहारा बेजुबानों की मदद करनी चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, और जितना हो सके ये प्रयास करना चाहिए कि हम इन्हें सुरक्षित रख सकें या इनको सुरक्षित रहने के लिए इनकी मदद कर सकें। ये साथ में मैं इमेजेस जो वीरेंद्र जी ने भेजी हैं वो भी आपको भेज रही हूँ, दिखा रही हूँ, ताकि जितने लोग इनसेंसिटिव हैं, जो संवेदन शून्य मनुष्य हैं, उनकी भी अंदर का उनका भी ज़मीर जगे और उनके अंदर भी ये भावना जगे कि इन बेजुबानों की, हमें इन बेसहारा जानवरों की मदद करनी चाहिए। रिस्पेक्टेड दीदी, मैं आपको कुछ इमेजेस भेज रहा हूँ जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। आपके पास वो प्लेटफॉर्म है जिससे आप लोगों को समझा सकते हो कि गौ माता को या अन्य बेसहारा जानवरों की सेवा करो और उन्हें बचाओ, और इन जानवरों को और अपने आप को भी एक्सीडेंट से बचाओ। ये इमेज जो गौ माता की है, एक ट्रक से टकरा गई थी और अभी कुछ नहीं कह सकते कि बचेगी या नहीं, क्योंकि इसकी पूरी टांग ख़राब हो चुकी है और इंटरनल इंजरी बहुत ज़्यादा है, बहुत गहरी है। ये एक गौ सदन की पिक्चर है और इसमें हर एक या दो हफ्ते में ऐसे ही केसेस आते हैं जिसमें 90% केसेस में ये बेसहारा जानवर मर जाते हैं। ये बहुत बुरी तरह से तड़प तड़प कर मरते हैं और हर एक दर्द को सहन करते हैं। प्लीज़ इन बेजुबानों की मदद करें और इनकी सेवा करें, जैसा कि महाराज जी भी कहते हैं।